हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएचयू बनारस बीएससी नर्सिंग बी फार्मा और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जिन भी स्टूडेंट को 2021 में यहां से बीएससी नर्सिंग करने हो या फिर बी फार्मा करना हो आयुर्वेद से, या फिर बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बीओटी करनी हो, या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी करना हो 2021 में, तो देखेंगे कैसे आप 2021 में यहाँ पे अपना एक सीट कर सकते हैं और ये कोर्स कर सकते हैं। तो क्या आपको एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ेंगे, कैसे एंट्रेंस टेस्ट होगा, कैसे पेपर आएंगे, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, पाँच छः मिनट की वीडियो बनेगी जो कि आप लोग को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए देखते हैं 2020 में प्रॉस्पेक्टस था तो 2020 में कैसे क्या हुआ था, ये देखिए। ये बीएचयू का क्या है, बीएचयू का काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लोगो है, तो ये आप लोग देख लिए होंगे। और इसमें एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप लोग का फर्स्ट तो पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे यहाँ एडमिशन होगा। तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेक्स्ट और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 2020 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, इसके पहले पेन पेपर से होता था ऑफलाइन, लेकिन अब ऑनलाइन होता है। 2020 में जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी आती है तुरंत आप लोग को इस चैनल पे आप लोग को बताया जाएगा और मेरे चैनल पे इसकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। जितने भी स्टूडेंट को 2021 में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो मेरे चैनल पे एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी कराई जा रही है, तो आप लोग ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन कुछ है, ये चलिए हम लोग इंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ लेते हैं। 2020 में तो थोड़ा लेट ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था कोविड-19 की वजह से। 2021 में कब फॉर्म आएगा इसकी एक वीडियो बनी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। फीस कितनी लगती है, 1000 रुपये जनरल ओबीसी कैंडिडेट की लगती है और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 750, मतलब 1000 का आधा लगता है किसमें, जो कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं। तो इसमें आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो फिर आप क्वालिफाई करेंगे, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के माध्यम से आपको सीट मिलेगी, तब फिर आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे इस चार कोर्स में। तो इसका देख लीजिए पेपर पैटर्न क्या होगा। तो इसमें पेपर जो होती है आप लोग को जो लैंग्वेज होता है पेपर का, इसमें हिंदी बोथ रहेगा, हिंदी भी लैंग्वेज आएगी और इंग्लिश भी, तो आप लोग को आसानी होगी। और केजीएमयू अगर आप बीएससी नर्सिंग देते हैं तो वहाँ पे तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, तो टफ हो जाती है क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले काफ़ी इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। और मैं जो अपने चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी और इंग्लिश दोनों करा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एक कराना रहे तो फिर सही है। तो ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज 17 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया है। और ये देख लीजिए ये चार कोर्स के नाम दिए गए हैं और इसमें क्या है, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंटर लेवल की पूछी जाती है। तो 11th और 12th क्लास आपको अच्छे से जो भी बुक उसमें अप्लाई की जाती है 11th एंड 12th की बुक अच्छे से आनी चाहिए और कंपटीशन बुक भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बुक की एक वीडियो बनी हुई है, आप लोग वो बुक परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी प्रोवाइड की गई है, आप लोग वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी फॉलो करिए और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइए तो आपका सिलेक्शन गारंटी है 100% हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ बीएचयू में तो कंपटीशन अच्छा है, 75+ क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आप लोग कट ऑफ की वीडियो, जैसे जैसे वीडियो आप लोग चैनल पे सब बताई जाएगी कि कितने क्वेश्चन किस कोर्स के लिए सही होंगे। तो ये देखिए बीएससी नर्सिंग में आप कितनी सीटें हैं, 75 सीटें हैं जिसमें 31 सीटें जनरल की हैं, 20 सीटें ओबीसी की हैं और जो सीटें हैं कैटेगरी स्टूडेंट की हैं। बी फार्मा में कितनी सीटें हैं, बी फार्मा में 37 सीटें हैं, बीओटी में कितनी सीटें हैं,
25 सीटें हैं, और आप बीपीटी की बात करेंगे तो 25 सीटें हैं। तो ये देख लीजिए जो जिसमें कितनी कोर्स, कौन सी कोर्स है और कितनी सीटें हैं, 1 2 3 4 चार कोर्स हैं, तो सीट वाइज इसमें डिस्ट्रीब्यूट आप काउंसलिंग के अनुसार आपको ये सीटें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सब पूरा प्रोसेस है, और जितने चैनल पे इसकी तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप लोग आसानी से आप लोग ज्वाइन करके अपने दोस्तों को शेयर करके आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं ये देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर बिल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन मान लीजिए हो गया, और उसके A, B, C, D ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन रहेंगे, एक करेक्ट करना रहेगा, जिस पे आप करेक्ट करेंगे उस पे आप टिक करेंगे। तो ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। दियर विल बी 100 MCQ, 100 MCQ पूछे जाएंगे विथ 25 क्वेश्चन ईच, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, और जो 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 पूछा जाता है बायोलॉजी उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में बॉटनी जो प्लांट वाला पार्ट होगा वहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जूलॉजी से 25 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी मार्क, मैक्सिमम मार्क 100, एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो एक मार्क दिया जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क रहेगा। ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये पूछते हैं, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और पेपर करने का टाइम आपका 2 घंटे होगा। फॉर एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, आंसर द इंग्लिश वर्जन शैल बी डिमांड इज करेक्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में हिंदी में मान लीजिए सही है, तो आपका वो वर्जन इंग्लिश वाला ही माना जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसकी बताएंगे कि आप लोग को कैसे पढ़ाई करनी है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बने रहिए आप लोग चैनल पे, और दोस्तों को शेयर करिए, और इसको चैनल को आप लोग तेज़ी से सब्सक्राइब नंबर इंक्रीज कराइए, और खुद करिए और दोस्तों को शेयर करिए। 100% फ्री पूरे, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाता 2021 में, काउंसलिंग तक आपका एडमिशन तक पूरा कंप्लीट 100% फ्री पूरी वीडियो कराई जाएगी, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।